असलम नाजीन आप देख रहे हैं हॉट न्यूज़ स्टेडियो और हॉट न्यूज़ स्टेडियो की जानब से एक अहम ख़बर हम आप तक पहुंचा रहे हैं जैसा कि आप जानते हैं कि एम डी कैट को गुजरे ज़माना हो चुका है और एम डी कैट के होने के बाद बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए अलग अलग जगह पे पूरे मुल्क में पी एम सी के ख़िलाफ़ और उसके बाद बहुत से अलग अलग हाई कोर्ट्स के अंदर पी एम सी के खिलाफ पटिशन दायर हुए उनमें से एक केस एक पेडिशन एडवोकेट जिब्रान नासिर का भी था सिंध हाई कोर्ट के अंदर अब उनकी अगली एयरिंग तो मार्च के अंदर है अब पी ने जैसे कल छः नोटिफिकेशन डाले थे उसी तरह 21 तारीख यानी कल आठ नोटिफिकेशन डाले उनमें से जो स्टूडेंट्स के काम के हैं वो नोटिफिकेशन मैं आपके सामने पेश करूंगा सबसे पहली काउंसिल अप्रूव नेशनल मेडिकल स्कॉलरशिप फंड जैसे आप रीड मोड पर क्लिक करेंगे तो ये स्क्रीन खुल जाएगी पाकिस्तान मेडिकल कमीशन पब्लिक अनाउंसमेंट काउंसिल अप्रूव नेशनल मेडिकल स्कॉलरशिप फंड द काउंसिल अप्रूव्ड फॉर्मेशन ऑफ द फर्स्ट नेशनल मेडिकल स्कॉलरशिप फंड कमिटिंग एन अमाउंट ऑफ रुपीज टू फिफ्टी मिलियन टू द फंड दरशिप फंड विल बी सेटअप एज एन इंडिपेंडेंट एंटिटी विद एन इंडिपेंडेंट बोर्ड अंडर द सुपरविजन ऑफ द काउंसिल दी फंड विल सीक फर्दर ग्रांट From the federal and provincial government as well as the private sector. The fund will provide annually scholarship to students on need basis who have obtained admission to public or private medical college strictly on merit. The financial aid will be in the form of grants and loans or a mix of both. The scholarship fund in the future based on the grants will also to fund deserving students for postgraduate studies and research in medical education. Every year, hundreds of students with a with high merit are unable to enter medical programs because of their inability to pay fees for private education. The council believes these high merit students from the underprivileged class present. क्लास रिप्रेजेंट द फ्यूचर ऑफ आर हेल्थ केयर एंड नीड टू बी सपोर्टेड अब इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल ने नेशनल मेडिकल स्कॉलरशिप फ़ंड को अप्रूव कर दिया है ये फ़ंड जो होगा उसका टोटल अमाउंट टू फिफ्टी बिलियन होगा जो स्कॉलरशिप फ़ंड होगा वो एक इंडिपेंडेंट एंटिटी होगा और वो अंडर सुपरविजन ऑफ द काउंसिल आएगा और ये जो फंड है वो ग्रांट्स देगा फेडरल और ऑपमेशनल गवर्नमेंट को और उसके साथ साथ प्राइवेट सेक्टर को भी ये फ़ंड एनवली स्कॉलरशिप देगा स्टूडेंट को बेसिकली ऑन दी नीड बेसिस और उस नीड बेसिस भी मेरिट के ऊपर देखी जाएगी और ये जो होगी फ़ंड होंगे ये फाइनेंशियल एड के तौर पे भी यूज़ किए जाएँगे या फाइनेशियल एड यानी ग्रांट्स के तौर पर दिए जाएंगे या लोन्स के तौर पर दिए जाएंगे या फिर दोनों को मिक्स करके थोड़ा ग्रांट थोड़ा लोन और ये इन फ्यूचर ये जो फंड्स होंगे और ये जो इस्कॉलरशिप फंड्स होंगे ये रिसर्च इन मेडिकल एजुकेशन और पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज़ के लिए भी दिए जाएंगे हर साल पीएमसी के मुताबिक बच्चे जो मेरिट पे भी होते हैं वो हर साल हज़ारों बच्चे जो हाई मेरिट पे होते भी हैं वो मेडिकल प्रोग्राम्स के अंदर आ, एंटर नहीं कर पाते क्योंकि उनकी इन एबिलिटी टू पे फीस फॉर प्राइवेट एजुकेशन वो उनका मेरिट तो अच्छा होता है पर वो प्राइवेट पब्लिक से हट के क्योंकि पब्लिक की सीटें कम होती हैं और, और फिर प्राइवेट ही दूसरा ऑप्शन होता है तो प्राइवेट में उन्हें लेना पड़ता हाँ है और उधर प्राइवेट की फ़ीसेस बहुत हाई होती हैं तो कौंसिल जो है इन मेडिकल स्टूडेंट्स को सपोर्ट करना चाहती है और चाहती है कि ये मेडिकल स्टूडेंट भी हमारे हेल्थ सिस्टम का हिस्सा बने अब दूसरा नोटिफिकेशन जो आपकी स्क्रीन पर है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान मेडिकल कमीशन पब्लिक अनाउंसमेंट काउंसिल काउंसिलूड नोटिस टू प्राइवेट इन रिस्पांस टू एलिगेशन ऑफ डिमांड्स ऑफ डोमनेशन एंड एडवांस फी ट्वेंटी फर्स्ट फैब ट्वेंटी ट्वेंटी वन दी काउंसिल टॉक सीरियसली नोट ऑफ दूमेरिस कंप्लेन रिसीव रिलेडिंग टू डिमांड्स ऑफ डोनेशन एंड द एडवास फी फॉर थ्री टू फाइव ईयरस बाई समट कॉलेजेस Notices in this regard have already been issued to the colleges. The Council directed the authority to ensure that once the admission lists are received, they are to be checked to ensure that all the students admitted have qualified their MDCAT and also against the merit list issued by the Commission to ensure that no student has been treated in a discriminate manner by way of manipulating marks granted in interviews. A large लार्ज between बिटवीन original merit and एंड final मेरिट आफ्टर एडिंग इंटरव्यू मार्क्स विल बी रिव्यूड एंड इन्वेस्टिगेटेड by the अथॉरिटी अब इसका मतलब ये है कि काउंसिल ने जैसे पहले इस इशू पे एक नोटिस लिया था कि प्राइवेट कॉलेजेस की कि वो उनके पास कंप्लेन आ रही हैं कि डोनेशन और एडवांस फी की डिमांड की जा रही है तो उसके ऊपर एक नया सीरियस नोट उन्होंने जाहिर किया है उन्होंने पब्लिश किया है प्रजेंट किया है और उसके मुताबिक कि कॉलेजेस जो हैं एडवांस फीस मांग रहे हैं तीन से पाँच साल के लिए और उसके साथ साथ डोनेशन भी मांग रहे हैं अगर ऐसा किसी भी कॉलेजेस का पाया गया कुछ कॉलेजेस का पाया गया और इसके ऊपर पीएमसी ने नोटिस भी उनको भेज दिया अगर और भी ऐसा पाया गया तो पीएमसी तो वैसे ही इंश्योर करेगी इस एडमिशन लिस्ट को इन्होंने बोला है कि ताकि वो सिक्योर बना पाए इस पूरे एडमिशन प्रोसेस को और वो जो है फाइनल लिस्ट भी देखेगी स्टूडेंट की और ये देखे चेक करेगी उन्होंने सब ने एम क्लियर किया है या फिर उन्होंने डेटा की मैनिपुलेशन की है कॉलेजेस ने और उसके ऊपर वो ये भी देखेगी कि ओरिजिनल मेरिट और फाइनल मेरिट में अगर बहुत ज़्यादा फर्क हुआ और इंटरव्यूज के मार्क्स के जरिए तब इसके ऊपर भी अथॉरिटी जो है इन्वेस्टिगेट करेगी अथॉरिटी यानी पाकिस्तान मेडिकल कमीशन अब तीसरी अनाउंसमेंट जो आपकी स्क्रीन पर है वो ये है कि कौन पाकिस्तान मेडिकल कमीशन पब्लिक अनाउंसमेंट कौंसिल टेक सीरियस नोट ऑफ कंप्लेन रिसीव रिगार्डिंग कॉलेज एफिलेटेड विद इसरा यूनिवर्सिटी The Council has taken serious note of complaints received regarding colleges affiliated with Isra University. It has been reported that the colleges in Islamabad and Karachi affiliated with Isra University have been forcibly taken over with armed intervention due to some dispute as to ownership and control of the colleges and the university. Complaints have been received from students of these colleges that the recent exam and result of the professional exam held in January February have been adversely affected by the university due to the ongoing dispute. The council appointed the Pemper examination as a special investigation officer to immediately issue notices to the colleges and after physical inspection of the colleges and airing uh, the management of the colleges submit a report on the situation. Meanwhile, the council also directed that any student who may have failed in the professional exam held by the university can file a request for rechecking of their examination and the same be rechecked by an independent public university to ensure the integrity of the result. The Council has also directed the authority to contact HEC and inform them of the situation with Isra University. is Isra University. Ke students ki taraf se पी में बहुत सारी कंप्लेंट्स आ रही थी और अब क्योंकि वो कम्प्लेंट्स इस बेसिस पे थी कि कॉलेजेस जो एफिलेटेड हैं सर यूनिवर्सिटी में कराची और इस्लाह में उन कॉलेजेस के अंदर कोई ओनरशिप को लेके एक डिस्प्यूट चल रहा है और एक कंट्रोल का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है कि उस कॉलेज को अब कौन चलाएगा उस बेसिस के ऊपर और उसके ऊपर स्टूडेंट की कंप्लेन आ रही है कि उनके जो रिसेंट एग्ज़ाम हुए हैं और उनका जो रिज़ल्ट आया वो वैश्वल एग्ज़ाम का जो जनवरी फेबरी में लिए गए थे वो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा मुतासर हुए हैं और इसके ऊपर काउंसिल ने यह फ़ैसला किया है उन स्टूडेंट्स के पेपर्स वगैरह सब वापस चेक किए जाएंगे और अगर कोई स्टूडेंट उसमें फ़ेल भी हुआ है तो उसका वो बीच का कोई रास्ता निकालेंगे फुल इंस्पेक्शन के बाद जब वो एक उनका ऑफिसर वहाँ पे जाएगा और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर वहाँ पे जाएगा और अपनी एक रिपोर्ट प्रेजेंट करेगा कौंसिल के सामने और कौंसिल ने ये भी उन कॉलेज को डायरेक्ट किया है कि वो एच ई सी से कॉन्टेक्ट करें और इसफॉर्मेश इस, इस का पूरी रिपोर्ट दें उन्हें एजुकेशन के बारे में और न्यूज जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि तमाम तलबा इस बात से आगाह हो जाए कि अब उनके साथ क्या होने वाला है शुक्रिया